नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 5 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है तो भैया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर एक न्यूज है। सेंटर ने इसमें कुछ अपडेट्स दिए हैं, क्या अपडेट्स हैं इसको देखेंगे। 19,744 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया इसके लिए। सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेकर एक न्यूज है। फ्री राइस स्कीम को तेलंगाना ने ज्वाइन किया, इसको लेकर न्यूज है। साइलेंट वैली जो बर्ड स्पेशीज है, साइलेंट वैली जो पार्क है केरला में, वहां पे 175 बर्ड स्पेशीज तक हो सकती हैं। यूपी लोकल बॉडी पोल्स में ओबीसी रिजर्वेशन को लेके रिसेंटली कुछ इश्यूज उठे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न किया है। कैसे जॉब और आपका एजुकेशन में मिलने वाला रिजर्वेशन लोकल बॉडी रिजर्वेशन से अलग है, इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। आप लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगी, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो। फ्यूमियो किशिदा जापान के पीएम ने यूएस के साथ क्या डिफेंस डील साइन किए, इसको लेके भी आर्टिकल है। एडिटोरियल में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक ओपन लेटर लिखा है एक ऑथर ने, और ये ऑथर बहुत हद तक एंटी बीजेपी है, मैं आपको पहले ये बता दूं। अभी जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा आपको पता चल जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में क्या इकोनॉमिक सिग्नल्स निकल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। गैम्बलिंग को लेके एक आर्टिकल है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर मोहम्मद इकबाल की कुछ लिखी हुई आप कह लो पोएम्स को पॉइंट आउट किया है यूपी के कॉलेज में, बहुत हद तक ये आइडियोलॉजिकल आर्टिकल है, देख लेंगे भाई क्या है। और कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन को लेके जो पॉलिटिक्स हो रही है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है। मोहम्मद इकबाल और कर्नाटका रिजर्वेशन वाला आर्टिकल थोड़ा बहुत ही आपको बताऊंगा, बहुत डिटेल में उसमें चीज़ें मुझे दिखी नहीं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाला आर्टिकल भी बहुत हद तक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, ऑफ द ऑन द बॉल। ऑन द बॉल मतलब आप ये पूरा का पूरा अगर आप सेंटेंस इसको पढ़ लीजिए, इस सेंटेंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करो उसको पढ़ लो। जैसे टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रहा है और आपने टीचर की बात सुनी नहीं, टीचर ने क्या पढ़ाया आपको पता नहीं चला, तो आप क्या बोलोगे, दैट यू आरंट ऑन द बॉल, यू आर नॉट ऑन द बॉल। यू आर नॉट ऑन द बॉल मतलब आप ध्यान से क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा था उसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे थे और टीचर के द्वारा बताई गई कन्वर्सेशन को समझ नहीं पा रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, यू आर नॉट ऑन द बॉल। समझ गए, ऑन द बॉल मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हो, जो कुछ भी बताया जा रहा है सही है, समझ पा रहे हो, कंडीशंस को प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इसका ये हो जाएगा ऑन द बॉल। और जब ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आप कहोगे यू आर नॉट ऑन द बॉल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करें यूट्यूब पे दोस्तों, इस वीडियो की रिकमेंडेशन को यूट्यूब एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। पहली न्यूज, सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एनर्जी जीएस पेपर 2 और 3 में चीज आपको काम आएगी। ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों क्या होती है, अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन जानना है तो ग्रीन हाइड्रोजन, मेरे नाम अर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पर सर्च मारी, ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियो इसके रिस्पेक्ट में बना चुका हूं। एक लाइन में बताऊं तो वो हाइड्रोजन जिसको बनाने में सब कुछ ग्रीन हो, सबको ग्रीन मतलब कोल बेस्ड या फिर कह लो फॉसिल फ्यूल इंटेंसिव सोर्सेस का इस्तेमाल ना किया गया हो। सोलर एनर्जी से अगर आप ग्रीन पावर बना रहे हो या ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हो तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा। क्या होता है दोस्तों, वाटर है H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी, लेकिन दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। अगर इसमें से अगर आप हाइड्रोजन निकाल लो और किसी बैटरी वगैरह में स्टोर कर लो उसको, तो वो बहुत पोटेंशियली आप कह लो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है आपको, यही ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन अलग कर देना, ऑक्सीजन अलग कर देना, ऑक्सीजन को अलग इस्तेमाल कर लेना और हाइड्रोजन को अलग इस्तेमाल कर लेना, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइजर जब रेन्यूएबल एनर्जी चलाए जाते हैं, सोलर बेस्ड पावर से, विंड बेस्ड पावर से, तब वहां पे जो हाइड्रोजन बनती है वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि उस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में जो एनवायरमेंटल एमिशंस हैं वो ना के बराबर हैं। अब यूनियन कैबिनेट ने 4 जनवरी को अप्रूव किया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका काम है इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इसका जो आउटले है वो 19,744 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 17,490 करोड़ सरकार ने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजेक्शन साइट प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए, 1,466 अपकमिंग पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ और 388 करोड़ बाकी मिशन कंपोनेंट्स के लिए। इस पर्टिकुलर नेशनल हाइड्रोजन मिशन को 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। काम क्या है, कार्बन एमिशंस को कम करना, रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के यूज को यहां पे बढ़ाना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी गाइडलाइंस बनाएगी इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। और मिशन का टारगेट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। इसके साथ साथ एसोसिएटेड रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अबाउट 125 गीगावाट्स इन द कंट्री बाय 2030।
तो रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 गीगावाट थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक टारगेट है इस पर्टिकुलर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। और इतना कुछ करने से 2030 तक 6 लाख नौकरियां एक्स्ट्रा आएंगी और 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, ऐसा सरकार का आप कह लो एस्टिमेशन है। जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च करते हो तो ये कुछ निकल के आ रहा है। इसके लिए हम आसपास ही पहुंच जाते हैं तो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा, एनवायरमेंटली भी और इकोनॉमिकली भी। और अगर हम ये ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपोर्ट्स 1 लाख करोड़ तक हमारे कम हो जाएंगे। और 2030 तक जो हमारा एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो 50 मिलियन मेट्रिक टन्स कम हो जाएगा। इस मिशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बनती हैं ग्रीन हाइड्रोजन उसके डेरिवेटिव्स के लिए, डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मोबिलिटी एंड एनर्जी सेक्टर्स होता है, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स और फीड स्टॉक के ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम होता है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हमारी डेवलप होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को हम लोग डेवलप करेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये कि जो साइट स्कीम है ना, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, इसके अंदर दो फाइनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म है। एक तो टारगेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, ठीक ना, इलेक्ट्रोलाइजर्स समझ रहे हो ना, जिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के अंदर वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा विद द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइजर। और इससे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है साइट स्कीम का, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ठीक है भाई। तो ये बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही हैं। तो ये जो मिशन है वो एमर्जिंग एंड यूज सेक्टर्स में प्रोडक्शन पाथवेज में एक बहुत बड़ा असिस्टेंस देगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन को ये प्रमोट करेगा, इंडिया में बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इसके आसपास डेवलप किए जाएंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क सरकार द्वारा डिवाइस किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप करने का, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप है शिप, इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नेटवर्क को मोबिलाइज किया जाएगा, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा फील्ड है जहां पे सरकार अपने रिसोर्सेज लगाने के साथ साथ प्राइवेट रिसोर्सेज भी डिप्लॉय करना चाहता है, और फिर उसके साथ साथ हमको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप टेक्नोलॉजी तो बना दोगे लेकिन उस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए स्किल वर्कफोर्स भी चाहिए, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे। अगर आप देखो तो इंडिया का टारगेट है 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी से 500 गीगावाट बनाना, उसमें से 125 गीगावाट हमने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए टारगेट बना रखा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई डेवोस स्विट्जरलैंड में मई 2022 में, तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस थे हरदीप सिंह पुरी साहब, इंडिया ने बोला कि भाई करंट एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए इंडिया बहुत हद तक फोकस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। और इंडिया सिर्फ बोल नहीं रहा, इंडिया करने की भी कोशिश कर रहा है। रिसेंटली अगर आप देखो तो आसाम के जोरहत जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ठीक है भाई। तो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड एक अपडेट थी मैंने आपको दे दी। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, स्टेलमेट ओवर सतलज यमुना लिंक कैनाल कंटिन्यूज एज मीटिंग बिटवीन हरियाणा पंजाब। देखिए क्या है, सतलज यमुना लिंक कैनाल, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं। पंजाब के थ्रू सतलज नदी बहती है, सतलज नदी में सीधे सीधे आके मिलती है ब्यास नदी, रावी नदी इसके ऊपर से बह रही होती है। तो ब्यास नदी और सतलज नदी का पानी मिलकर ठीक ठाक अमाउंट ऑफ पानी हो जाता है। अब इस पानी से एक कैनाल निकाल के जोड़ने की बात हो रही थी यमुना नदी से, यमुना नदी थोड़ी वाटर डेफिशिएंट इलाकों से निकलती है, सतलज नदी में कंपैरेटिवली पानी ज़्यादा है, तो सतलज और ब्यास नदी के कंबाइंड पानी से थोड़ा पानी निकाल के अब यमुना नदी तक पहुंचा दो। तो इससे होगा क्या कि जो यमुना नदी वाटर डेफिशिएंट हरियाणा रीजन से निकलती ना, हरियाणा रीजन को इस कैनाल के थ्रू पानी मिल जाएगा। तो ये जो सतलज यमुना लिंक कैनाल थी, ये 214 किलोमीटर लंबी कैनाल थी जो सतलज यमुना को जोड़ती थी। एक बार अगर ये जुड़ गई तो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया। इस कंटेक्स्ट में इसके साथ एसोसिएटेड ट्रीटीज कौन सी हैं, तो एक तो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान की, जिसके चलते रावी भी सतलज का पानी एलोकेट किया गया इंडिया को, और झेलम इंडस और चेनाब का पानी एलोकेट किया गया पाकिस्तान को। अब जब पंजाब से हरियाणा टूट के अलग हुआ तो हरियाणा ने बोला कि भैया हमें पानी दो। शुरू में तो ये सतलज यमुना लिंक कैनाल साइन हो गई, बाद में पंजाब ने बोला कि भैया हमारे पास पानी है ही नहीं देने के लिए। पंजाब तो ये बोलता है कि रायपेरियन प्रिंसिपल के हिसाब से जिस स्टेट या कंट्री के थ्रू पानी बह रहा है वो उसको पूरा इस्तेमाल करेगा। अब पंजाब का लॉजिक इंडिया के कंटेक्स्ट में पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में तो सही हो सकता है, बट चाइना के रिस्पेक्ट में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर नदियों का पानी चाइना से आ रहा है, तो कल की डेट में चाइना अपनी तरफ से सारा पानी रोक देगा तो इंडिया में वाटर डिफिशियंसी हो सकती है। बहरहाल
पंजाब, ये सब हरियाणा के कंटेक्स्ट में कह रहा है। पंजाब का कहना यह है कि 2029 तक पंजाब खुद ड्राई हो जाएगा। पंजाब के किसान ऑलरेडी ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर चुके हैं इरिगेशन पर्पसेस के लिए। ओके, हर साल 70,000 करोड़ रुपए का गेहूं और चावल उगाता है पंजाब, और कहीं ना कहीं पंजाब में ज्यादातर जो पानी है ग्राउंड वाटर का वो ओवर एक्सप्लॉयटेड है। पंजाब का अलग रोना, हरियाणा का अलग रोना। हरियाणा कह रहा है कि भैया हमारे पास भी इरिगेशन के लिए इनफ पानी नहीं है, जो ग्राउंड वाटर है हरियाणा के अंदर वो भी बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका है। हरियाणा बोल रहा है कि जिस प्रकार से पंजाब ओवरऑल व्हीट पूल और राइस पूल प्रोवाइड करता है सरकार का, केंद्र की सरकार का, राज्य की सरकार को, उस प्रकार से हरियाणा भी प्रोवाइड करता है। तो इस कंटेक्स्ट में इशू है। यहाँ पे एक मैप आपको नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर मैप के अंदर ये आपको ब्यास नदी नजर आ रही है, और इसके नीचे देखिए तो सतलज नदी और शिपकीपला पास के थ्रू होती हुई पंजाब से होती हुई निकल रही है। अब इसी पर्टिकुलर नदी से हरियाणा तक अगर हम पानी पहुंचा देते तो बात बन जाती सतलज यमुना लिंक कैनाल से, बट वो यहां पे बनती नजर नहीं आ रही है। रिसेंट जो मीटिंग हुई है, उस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब भी बैठे थे, पंजाब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बैठे थे। अब पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है बंगवंत सिंह मान और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के ऑफिसर्स हैं, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास पानी है ही नहीं, हम आपको दें क्या। भगवंत मान साहब का और वैसे पंजाब की ओवरऑल सरकार का, इस समय पे पंजाब के अंदर कोई भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार भी आ जाएगी ना, वो भी सतलज यमुना लिंक कैनाल को सपोर्ट नहीं करेगी। अभी की पंजाब की सरकार का ये बोलना है कि जब सतलज यमुना लिंक कैनाल वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था उस समय पे पंजाब के पास पानी था 18.56 मिलियन एकड़ फीट का। आज की डेट में पंजाब के पास केवल 12.63 मिलियन एकड़ फीट पानी है। मतलब जिस समय पर सतलज यमुना लिंक कैनाल के एग्रीमेंट को एनविसेज किया गया था उस समय पर पंजाब के पास 18.56 MAF पानी होता था, आज केवल 12.63 है, और वहीं पर हरियाणा के पास आज की डेट में 14.10 है। तो किसी भी लॉजिक से पंजाब अपने पानी को हरियाणा को नहीं दे सकता, ये पंजाब का लॉजिक है। जबकि अभी के लिए हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार कोशिश कर रही है कि सतलज यमुना लिंक कैनाल को एग्जीक्यूट किया जाए। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला है कि सतलज यमुना लिंक कैनाल को बनवाओ, लेकिन पंजाब के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। पंजाब की हर सरकार ये बोल रही है कि अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पंजाब के ऊपर इम्पोज किया गया तो एंटी इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगी, खालिस्तान वाले प्रोपोगंडा को आग मिलेगी, कहीं ना कहीं युद्ध पंजाब का भड़क सकता है। इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल आप कह लो बैकलैशेज हो सकते हैं अगर सतलज यमुना लिंक कैनाल बनाई गई पंजाब के अंदर। मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, और इसलिए पंजाब की सरकार किसी भी हाल में इस SYL प्रोजेक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। भाई अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 2, तेलंगाना ज्वाइंस फ्री राइस स्कीम। क्या है भाई, रिसेंटली आपको पता है क्या हुआ है? हुआ ये है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो चावल 3 रुपए प्रति केजी, आपका गेहूं 2 रुपए प्रति केजी, कोर सेल ग्रीनल 1 रुपए प्रति केजी, ये जो दाम पे आपको NFSA के अंदर एलोकेशंस मिलते थे, इनको बहुत हद तक केंद्र की सरकार ने फ्री कर दिया। ये 3 दिन पहले की न्यूज है। कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था सरकार का टारगेट है 2023-24 में ओवरऑल फूड सब्सिडी पे जो खर्चा होता है उसको कम करना, और इसी को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सरकार ने हटाया। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो फूड ग्रेन्स प्रति महीने फ्री मिलते थे, तो NFSA के अंदर जो एलोकेशन 3 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी, 1 रुपए पर केजी में किए जाते थे, उनको सरकार ने फ्री कर दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, ये सारे एलोकेशंस ग्राउंड लेवल पे लोगों को केंद्र की सरकार सीधे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, ये पहले राज्य की सरकार के पास जाते हैं फिर लोगों तक पहुंचते। तो हर स्टेट को केंद्र की सरकार के डायरेक्टिव्स मानने पड़ेंगे। तो जब केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हटाया, तब ऑब्वियस ही बात है तेलंगाना सरकार को परेशानी हुई। तेलंगाना सरकार PMGKAY के एलोकेशंस तो करती ही थी, NFSA एक्ट के अंदर जो 3 रुपए प्रति केजी पे व्हीट, सॉरी राइस मिलता था लोगों को, इसमें से 2 रुपए प्रति केजी उठाती थी कौन, तेलंगाना की सरकार अपने उस पे, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, देखिए NFSA के अंदर केंद्र की सरकार तेलंगाना में 54.44 लाख कार्ड होल्डर्स को अनाज देती थी, इसके अलावा 35.52 लाख कार्ड होल्डर्स को अनाज NFSA के अंदर कौन देती थी, तेलंगाना की सरकार देती थी। मतलब तेलंगाना की सरकार ने एडिशनल सब्सिडी बांट रखी है, जितने एलिजिबल सब्सिडी आप कह लो बेनिफिशरीज हैं केंद्र की सरकार के NFSA के अंदर, उससे एक्स्ट्रा 35.5 लाख लोगों को तेलंगाना की सरकार बेनिफिट देती थी, और PMGKAY का बेनिफिट अलग मिलता था। अब PMGKAY खत्म हो गया, केंद्र की सरकार ने बोला 3 रुपए प्रति केजी
कि जो सब्सिडी है उसको हम कहीं ना कहीं फ्री कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 रुपये प्रति केजी राज्य की सरकार के ऊपर आ रहा था। राज्य की सरकार ने बोल दिया कि वो 1 रुपये प्रति केजी हम उठाएंगे। तो अभी के लिए तेलंगाना के अंदर ये जो 54 लाख लोग केंद्र की सरकार पैसा देती थी और 35 लाख लोग जो राज्य की सरकार सब्सिडी देती थी, ये 54 + 35 आप समझ लीजिए लगभग 90 लाख लोगों को ओवरऑल फ्री में राइस मिलने वाला है तेलंगाना के अंदर। और इसके लिए केंद्र की सरकार राज्य की सरकार दोनों का आप कह लो कंबाइंड यू नो एफर्ट लग रहा है। तो न्यूज़ बस ये है कि PMGKAY को जो हटाया और NFSA का जो नया एग्रीमेंट है केंद्र की सरकार का, उसको कहीं ना कहीं तेलंगाना की सरकार ने ज्वाइन कर लिया, बस यही एक न्यूज़ है। अगला GS Paper 3, बायोडाइवर्सिटी साइलेंट वैली बर्ड स्पेशीज गोज अप टू 175। अब ये जो साइलेंट वैली पार्क है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर नेशनल पार्क है, नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। इसके आसपास जो बफर जोन है वो 148 स्क्वायर किलोमीटर का। बफर जोन तब आता है जब आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हो, वाइल्ड लाइफ जोन की, नेशनल पार्क की वगैरह वगैरह। यहाँ पे कुछ रेयर स्पेशीज ऑफ फ्लोरा और फौना मिलती है। इस एरिया को 1847 में बोटनिस्ट रॉबर्ट वाइट द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। ये कहाँ पड़ता है, तो पालाकाड़ डिस्ट्रिक्ट केरला के मनर कराड़ तालुका, मलापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला के नीलांबुर तालुक और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है ना भाई। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है, ठीक है भाई। अब इस कंटेक्स्ट में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के आसपास का ज्यादातर इलाका प्रोटेक्टेड इलाका हो, तो चाहे आप बात कर लो करीम पूजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, या फिर न्यू अमराम्बलम रिजर्व फॉरेस्ट की, या फिर नेदुम कायम रेन फॉरेस्ट की, ये सब कहीं ना कहीं आसपास पड़ते हैं किसके, ये आपके साइलेंट वैली नेशनल पार्क के, ठीक है भाई। साउथ इंडिया की जो 5th हाईएस्ट पीक है मुखुर्ती पीक, ये भी कहीं ना कहीं इसके आसपास ही है। अंगिड़ा पीक भी साइलेंट वैली नेशनल पार्क के आसपास है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क में बर्ड सर्वे कंडक्ट करवाया गया और इसमें 141 स्पेशीज आइडेंटिफाई हुई हैं, जिसमें से 17 नई बर्ड स्पेशी पाई गई हैं। अब तक साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर 175 बर्ड स्पेशीज पाई गई हैं। ये जो पर्टिकुलर सर्वे कराया गया था ये केरला नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ मिलकर कराया गया था। नई जो स्पेशीज आइडेंटिफाई की हैं इसमें कौन कौन सी हैं, तो ब्राउन वुड आउल, ब्रांडेड बे कुकू, मालाबार वुड स्ट्राइक, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इंडियन नाइट जार, जंगल नाइट जार, लार्ज कुकू स्ट्राइक। ये बेसिकली वो स्पेशीज हैं जो पहले केरला की साइलेंट वैली नेशनल पार्क में नहीं पाई जाती हैं, अभी नहीं मिली, अभी मिली है। साइलेंट वैली में कौन कौन सी बहुत कॉमन बर्ड स्पेशी हैं, तो क्रिम्सन बैक सनबर्ड, येलो ब्राउन बुलबुल, ब्लैक बुलबुल, इंडियन वाइट आइड एंड इंडियन स्विफ्टलेट, ये बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, ठीक है ना भाई। साइलेंट वैली ये जो है ये थोड़ा नीलगिरी हिल्स के आसपास के बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ऊंचाई पे, तो हाई एलिवेशन एरिया है, बहुत सारी स्पेशीज इस पर्टिकुलर इकोलॉजी के एंडेमिक हैं। अब अक्सर कर इस पर्टिकुलर इलाके में कौन कौन सी बर्ड्स देखी जाती हैं, तो नीलगिरी लॉफिंग थ्रश, नीलगिरी फ्लावर पैकर, ब्राउन चीक्ड फुलवेटो, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लैचर। अब इतने सारे बर्ड्स के नाम है दोस्तों, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब रटते बैठो, लेकिन मैं आपको ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि जो नई 17 स्पेशी आइडेंटिफाई की गई हैं इनके जो नाम हैं ये थोड़ा बहुत आपने दिमाग में रखना, हो सकता है कि किसी आप कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको नजर आ जाए। फिर कुछ और इकोलॉजी की बात कर लें, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से निकलती है कादालुंदी नदी, ठीक है ना, जो भवानी नदी है जो कि कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, और जो कुंथी पूजा नदी है जो कि भरत पूजा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये निकलती है साइलेंट वैली से। ओके, ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है साउथ वेस्टर्न घाट्स के अंदर, ये वन ऑफ द लास्ट अनडिस्टर्ब ट्रैक्ट्स है। यहाँ पे ह्यूमन जो इंटरफेरेंस है हुआ है बट उतना नहीं हुआ है। मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। बगल में करम फुजा नेशनल पार्क है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में मुकुर्थी नेशनल पार्क है, नीलगिरी बायोस्फीयर के कोर में पाया जाता है, नीलगिरी सब क्लस्टर का पार्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और ओवरऑल नीलगिरी सब क्लस्टर को वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2007 में। अब अगर बात करो तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क थोड़ा कथरे में आ गया था 1970s में, जब यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पे एक इन्वायरमेंटलिस्ट सोशल मूवमेंट चलाया गया जिसका नाम था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। उसके बाद उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना दिया गया 1980s से। यहाँ पे एक विजिटर सेंटर है साइरंधरी नाम से, अक्सर कर कुछ टूरिस्ट भी यहाँ पे घूमने जाए जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आप खुलेआम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क और उसकी बर्ड स्पेशीज के बारे में बात की। अगली न्यूज GS Paper 2, इंटरनेशनल रिलेशंस, जापान PM किशिदा वाउज डीपर अलायंस विद US ऑन डिफेंस।
क्या न्यूज़ है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने बोला है कि ये अपनी कंट्री की जो दोस्ती है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अंडर द जापान न्यू डिफेंस पॉलिसी को बढ़ाएंगे। अभी तक क्या है कि जापान की डिफेंस पॉलिसी बहुत हद तक सेल्फ डिफेंस पर आधारित थी, बट ग्लोइंग रीजनल टेंशन और खासकर जापान के बैकयार्ड में जब चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज हो, तो जापान को अब ये रियलाइज हो रहा है और मेरे हिसाब से लेट रियलाइज हो रहा है कि उनको खुद सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी पूरी तरीके से। वो यूएस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते अपनी सिक्योरिटी के लिए। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर यूएस ने भी जापान को सिग्नल दे दिया था कि कल की डेट में जापान अकेला पड़ सकता है अगर किसी भी प्रकार की रीजनल टेंशन या वॉर ब्रोकआउट होता है इस रीजन में, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। रीजन में रशिया यूक्रेन वॉर हम देख ही सकते हैं। तो फ्यूमियो किशिदा साहब ने बोला है कि ये जल्दी ही वॉशिंगटन जाएंगे, वहां पे जो बाइडेन के साथ बातचीत करेंगे, जापान यूएस मिलिट्री अलायंस को आगे लेके जाएंगे, क्लोजर कोऑपरेशन करेंगे और इसमें जापान की जो नई सिक्योरिटी और डिफेंस स्ट्रेटजीज है वो बहुत काम की है। रिसेंटली अगर देखिए तो कुछ मिलिट्री परचेजेस भी किए हैं। यूएस डेवलप्ड टोमाहॉक्स और दूसरी लॉन्ग रेंजिंग क्रूज मिसाइल को जापान ने खरीदा है, किससे? यूएस से। रीजन क्या है कि ताइवान की इंसर्जेंसी और रशिया यूक्रेन अटैक के रिस्पेक्ट में जापान भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जापान G7 समिट होस्ट करने वाला है हिरोशिमा के अंदर, तो जापान यूएस अलायंस को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। वैसे तो G7 की सारी कंट्रीज के साथ जापान बायलेटरली भी इंगेज कर रहा है, स्पेसिफिकली यूएस के साथ मिलिट्री की फील्ड में बहुत ज़्यादा बायलेटरली इंगेज कर रहा है। और ये सब जापान क्या बोल के कर रहा है कि हम एक फ्री और इंडो पैसिफिक चाहते हैं। और जब भी फ्री और इंडो पैसिफिक की बात होती है ना, तो जो भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बोल रहा है वो मतलब कहीं ना कहीं एक एंटी चाइनीज स्टांस ले रहा है। फिर जब मिस्टर बाइडन के साथ मिस्टर फ्यूमियो किशिदा बैठेंगे तो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत होगी, रशिया यूनिवेशन ऑफ यूक्रेन की बातचीत होगी, ताइवान स्टेट में स्टेबिलिटी की बातचीत होगी, क्लाइमेट इशू और इकोनॉमिक इशू पे तो बातचीत होती है। पिछली बार फ्यूमियो किशिदा जो बाइडन के साथ बाली इंडोनेशिया मिले थे जब G20 समिट हुई थी वहाँ पे, अब यहाँ पे मिलेंगे। जापान की एक और बड़ी प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। जापान बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है, डेवलप्ड कंट्री है, लोगों के अंदर फैमिली प्लानिंग को लेकर अवेयरनेस ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे। उसके चलते ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के चलते जो बर्थ रेट है वो बहुत बुरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं जापान के अंदर। इस साल में जापान के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि केवल 800,000 से भी कम बच्चे पैदा होंगे। तो इस डिक्लाइनिंग बर्थ के चलते जो जापान में बूढ़े लोगों का प्रोपोर्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यंग लोग का प्रोपोर्शन कम है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जापान की सरकार अपने लोगों को प्रेगनेंसी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, चाइल्ड केयर के लिए हैवी सब्सिडी देती है, उसके बावजूद भी जापान के लोग इस हद तक अवेयर हो चुके हैं फैमिली प्लानिंग को लेके कि वो बच्चा पैदा कर ही नहीं रहे हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वेज इंक्रीजेस हो रहे हैं आज की डेट में, एक बहुत ज़्यादा अवेयर कवल ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता है। एक तो जिम्मेदारी वाला एलिमेंट होता है, बच्चा पैदा कर लो तो आपको बहुत सारी अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज छोड़नी पड़ती हैं, दूसरा बच्चे को पालना आज की डेट में एक हैवी इकोनॉमिक अफेयर हो चुका है। तो जापान के लोग इतने ज़्यादा आप कह लो सिक्योर हो गए हैं और अवेयर हो गए हैं कि वो बच्चा पैदा ही नहीं कर रहे हैं। इसके चलते जापान का बर्थ रेट बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और उससे इसकी फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। आसान है इंडिया वालों के लिए रास्ता खोल दो, इतनी तादाद में इंडियंस स्किल्ड जाएंगे ना वहाँ काम करने के लिए, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पूरा उनका डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, फिर जापान में भी इंडिया ही नजर आएगा। तो वो चाहते हैं कि उनके खुद के लोग ही बच्चा पैदा करें, बट वो हो नहीं पा रहा है। आगे देखते हैं, ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 1975 में बना था, हर साल ये ब्लॉक मिलता है टू डिस्कस इशू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लाइक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। G7 कंट्रीज में UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US आते हैं। पहले G8 था, रशिया भी था, रशिया को निकाल दिया गया जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया कब्जाया। G7 कंट्रीज में इंडिया पार्ट नहीं है, चाइना भी पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया चाइना G20 का पार्ट है। G7 को अक्सर कर इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ जो कि दुनिया की हैवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ और इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उसके बाद भी G7 का हिस्सा नहीं है। 2022 में G7 दुनिया की 10% आबादी, 31% ग्लोबल GDP और 21% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को अकाउंट करते थे। चाइना इंडिया मिल जाता तो ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। G7 कंट्रीज़ के पास डेब्ट भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो तो इनकी पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर इनके सरकार के रेवेन्यू से ज़्यादा है। बहुत सारी G7 कंट्री हैवी डेप्ट में है, जैसे जापान का डेप्ट उनकी GDP का 263% है, इटली का 151%, US का 133%। लेकिन ओवरऑल G7 की कुछ कंट्रीज आप कह लो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस हैं। US और जर्मनी बहुत हद तक एक्सपोर्ट नेशंस हैं, $1 trillion से ज़्यादा के एक्सपोर्ट किए हैं US जर्मनी दोनों ने 2021 में। तो इकोनॉमिकली भी ये कंट्रीज बहुत साउंड है, जापान भी वन ऑफ देम है। ठीक है भाई, आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। पहला एडिटोरियल, एन ओपन लेटर टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री।
अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्वेश्चन कर दे रहा हूँ कि पुष्पराज देश पांडे साहब जो कि डायरेक्टर हैं समृद्ध भारत फाउंडेशन के, बहुत हद तक एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी को नाजी से कंपेयर कर रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि 1938 में चार्ली चैपलिन ने द ग्रेट डिक्टेटर नाम का एक प्ले बनाया था, उसमें उन्होंने नाजीज को क्रिटिसाइज किया था। उस समय पे ओवरऑल जितने भी हॉलीवुड स्टूडियोज थे वो ओवरऑल किसी भी प्रकार के एंटी नाजी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, क्योंकि सबको जर्मन फाइनेंस की जरूरत थी, कोई भी एडॉल्फ हिटलर को नाराज नहीं करना चाहता था, कुछ फिल्म मेकर्स तो एडॉल्फ हिटलर के अपीजमेंट में लगे हुए थे लेकिन कोई भी क्रिटिसाइज करने के मूड में नहीं था एडॉल्फ हिटलर को। और उस समय पर इतनी हिम्मत दिखाई किसने, पुष्पराज देश पांडे ने, कि पुष्पराज देश पांडे ने ओपनली यहाँ पे नाजीज को क्रिटिसाइज किया अपनी ग्रेट डिक्टेटर मूवी बना के, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मूवी को रिकॉग्निशन भी बहुत मिला, ठीक है। और चार्ली चैपलिन की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमर्शियल सक्सेस थी ये पर्टिकुलर मूवी, इसको 5 एकेडमी अवार्ड्स मिले, एक कल्ट क्लासिक बन के उभरी ये पर्टिकुलर मूवी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल चार्ली चैपलिन ने आप कह लो एक जो ट्रेंड था उसके अगेंस्ट जाके यहां पे काम किया, लेकिन आज की डेट में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो रहा। अब ओवरऑल नाजी की आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी की आइडियोलॉजी को कंपेयर कर रहे हैं देशपांडे साहब। देशपांडे साहब बोल रहे हैं कि आज की डेट में बीजेपी कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज बनवा रही है और उसके बेसिस पे आइडियोलॉजिकल और कम्युनल मतलब एनवायरमेंट फैला रही है। कश्मीर फाइल्स और पठान इस प्रकार की मूवीज के अगेंस्ट बॉयकॉट हो रहा है। कश्मीर फाइल्स में जितनी कॉन्ट्रोवर्सी उठी थी उतनी पठान में नहीं उठी है। अब देखिए पठान का तो पता नहीं, बट कश्मीर फाइल्स मूवी में कहीं ना कहीं एक जेन्युइन प्रॉब्लम दिखाई गई थी, एक ऐसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जिसको बहुत लंबे समय तक वायलेंस को एंगेज किया गया, उनके अगेंस्ट उनको परेशान किया गया। कश्मीर फाइल्स में देखिए जो कुछ भी दिखाया गया बहुत हद तक गलत नहीं है, सही ही दिखाया गया है। हाँ, अब ओवरऑल उसको किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए दिखाया गया है ये ओवरऑल इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बट जो दिखाया गया सही दिखाया गया है। तो उस कंटेक्स्ट में कश्मीर फाइल जैसी मूवी लाके ओवरऑल राइट विंग प्रोपेगेंडा बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है, इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी को दबा रही है, और कल की डेट में इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी से कोई भी अगर प्लेयर एक्टर उठेगा ड्रामाटिस्ट उठेगा वो सरकार से पंगा नहीं लेना चाहेगा, सरकार अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उस एक्टर के पीछे भेज देंगी, इन इंडस्ट्रीज का बॉयकॉट होने लगेगा तो कौन सा प्लेयर बेचेगा। तो इस प्रकार से बीजेपी अपना राइट विंग एजेंडा फैला रही है, इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं ऑथर यहाँ पे। बहुत ही पॉलिटिकल सेंसिटिव टॉपिक है ये, ओवरऑल बीजेपी को नाजीज के साथ यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। तो अब देखिए ये जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं ना इसमें ज़्यादातर लोगों का अपना एक पहले से व्यू पॉइंट बना हुआ होता है, जो बीजेपी की सपोर्ट में वो बिल्कुल बीजेपी के सपोर्ट में रहेगा, जो बीजेपी के अगेंस्ट वो बिल्कुल ही बीजेपी के अगेंस्ट रहेगा। तो मैं कितना भी समझा लूँ न्यूट्रल रहने पर हर इंसान अपने अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेगा। फिर ये बता रहे हैं कि आज की डेट में डीवीडी का ज़माना रह नहीं गया है, एक बार फिल्म जब रिलीज़ होती है उसी समय पे जो कमाई हो गई हो गई, उस समय पे अगर सरकार किसी पर्टिकुलर मूवी मेकर को बोलेगा कि एक ही आइडियोलॉजी को फिल्म बनाओ तो प्रोग्रेसिव्स को टारगेट किया जाएगा, उनको उनके हिसाब से मूवी नहीं बनाने दी जाएगी, वोट बैंक को कैटर करने की कोशिश की जाएगी, धर्म के नाम पर चीज़ें की जाएंगी, कम्युनल कास्टिस रेसिस्ट अन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोपोगेट किया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। तो भाई जिसको भी पढ़ना है इस आर्टिकल को पढ़ ले, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा इस प्रकार के आर्टिकल्स ना ही पढ़िए। फिर आ जाते हैं द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैथ्यू इदिकुला ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है, विजिटिंग फैकल्टी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर में। अब देखिए इनका वो बोलना है कि दिसंबर 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। दुनिया में बिल्कुल गिनी चुनी ऐसी जगह है जहां पे लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने एक अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप चलाया। तो एक तो इन्होंने तारीफ की कि भाई इंडिया के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रेलेवेंस मिली हुई अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्शनल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट है ये इनएफेक्टिव है जब बात आती है सिटीजन्स की बेसिक नीड्स की, तो चाहे रिलायबल वाटर सप्लाई हो चाहे वॉकेबल फुटपाथ्स हो, कहीं ना कहीं ओवरऑल ये लोकल बॉडीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही, खासकर म्यूनिसिपैलिटी पर फोकस कर रहे हैं ऑथर। अब चूंकि 30 साल हो चुके हैं 1992 में रिफॉर्म्स आए थे, हम 2022 में पहुंच चुके हैं, तो किस हद तक ये लोकल बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये इफेक्टिव रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। लोकल सेल्फ गवर्नमेंस की जब बात आती है तो उसमें दो ब्रॉड आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रोवाइड फॉर द एफिशिएंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, सिंस गवर्नमेंट्स विद स्मॉलर ज्यूरिसडिक्शन कैन प्रोवाइड सर्विसेज एज पर प्रेफरेंसेस ऑफ द रेजिडेंट। मतलब ओवरऑल एक पर्टिकुलर इलाके के लोगों को क्या जरूरत है वो उस
लोकल लेवल पे अगर रिजॉल्व किया जाए तो लोगों को ज्यादा पता होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव को ज्यादा पता होगा कि एक्चुअली में लोकल लेवल पे लोग क्या चाहते हैं, तो थोड़ी इफेक्टिविटी आएगी। दूसरा, इट प्रमोट्स डीपर डेमोक्रेसी सिंस गवर्नमेंट्स दैट आर क्लोजर टू द पीपल अलाउ सिटीजंस टू एंगेज विद पब्लिक अफेयर्स मोर इजिली। मतलब जब डीपर डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट्स ओवरऑल लोगों के पास है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो लोकल लेवल पे लोग ही चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पब्लिक अफेयर्स में ज़्यादा इंगेज कर पाएंगे, लोगों की परेशानियों को ज़्यादा सुन पाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट में इन दो आइडियोलॉजिकल आप कह लो एनालिटिकल बेसिस पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को प्रमोट किया गया था, और इसके बेसिस पे बोला गया था कि जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, पंचायत हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। समय समय पे रेगुलर कंडक्ट होगा लोकल इलेक्शंस का, एससी एसटी वुमेन के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व की गई, पंचायत वार्ड कमिटीज में सीटें रिजर्व की गई, डेमोक्रेसी को डीपन करने की बात की गई। बट कई बार ये देखा गया कि जो राज्य की सरकारें हैं वो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे 74th अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करवाने में अनसक्सेसफुल रही हैं, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे लोगों तक ताकत पैसा नहीं पहुंचा है उनकी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इस कंटेक्स्ट में पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट को कोट करते हुए ऑथर बोल रहा है कि कुछ रेवोल्यूशनरी हुआ है। ज़्यादातर हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्ट में यही बताया गया है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है जब भी 73rd और 74th के अमेंडमेंट की बात आती है। राज्य की सरकारों के अंदर आती हैं ये लोकल बॉडीज, और राज्य की सरकारें इन लोकल बॉडीज को पूरा सपोर्ट नहीं करती हैं, ज़्यादातर ताकत अपने पास रखती हैं, और इस कंटेक्स्ट में हाई कोर्ट भी राज्य की सरकार को सपोर्ट करती है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऐसा किया है जहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में बात आ रही है। बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया पटना हाई कोर्ट ने। राज्य की सरकार ओवरऑल बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ राइट्स को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट में जब केस पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते पावर का, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की सारी ताकत लोकल लेवल पे लोगों के हाथ में होना चाहिए। एक्चुअली में हुआ ये कि बिहार म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 2021 के थ्रू जो ग्रेड सी और डी एम्प्लॉयमेंट के अपॉइंटमेंट की जो ताकत थी ना, वो एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के बजाय राज्य की सरकार डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रखना चाहती थी। तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो ग्रेड सी और डी एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट होगा वो राज्य की सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ना कि म्यूनिसिपैलिटी की स्टैंडिंग कमिटी। पटना हाईकोर्ट ने बोला ये नहीं चल पाएगा, म्यूनिसिपैलिटी की स्टैंडिंग कमिटी ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ग्रुप सी और डी एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट करेगी, स्टेट का डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ये करके पटना हाई कोर्ट में सही मायने में 73rd और 74th अमेंडमेंट को एक पुश दिया है, क्योंकि राज्य की सरकार ओवरऑल म्यूनिसिपैलिटी का रिक्रूटमेंट अपने हाथ में क्यों रख रही है। अगर म्यूनिसिपैलिटी ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रही है तो वो सेल्फ रेगुलेट कर सकती है, सेल्फ रिक्रूटमेंट भी कर सकती है, उसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और वो इंटरफेरेंस जब बिहार की सरकार ने किया, पटना हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो अपने आप में पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट सही मायनों में ग्राउंड लेवल पे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट की राइट स्पिरिट को इम्प्लीमेंट करता है, और आगे आने वाले समय में ये अलग अलग हाई कोर्ट्स के लिए एग्जांपल बन सकता है कि किस प्रकार से देश के अलग अलग हाई कोर्ट यहाँ पे एक्चुअली में लोगों के लिए काम कर सकते हैं। फिर ज़ियाउस्सलाम साहब का एक आर्टिकल है, अभी हुआ ये है मोहम्मद इकबाल साहब पोएट थे, इन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब इस गाने को गाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन्हीं की एक पोएम है बच्चे की दुआ चाइल्ड प्रेयर, उसको भी अगर आप बोलो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रिसेंटली हुआ ये है कि इन्हीं की मोहम्मद इकबाल की एक पोएम है लैब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जब इस पर्टिकुलर पोएम को किसी एक पर्टिकुलर बरेली उत्तर प्रदेश के स्कूल में गाया गया तो एक शिक्षा मित्र को प्रॉब्लम हो गई, और उसके अगेंस्ट में प्रिंसिपल ज्यादा कुछ बोला नहीं। और ये सब कहीं ना कहीं एक विश्व हिंदू परिषद के फंक्शनरी को परेशान कर गया, उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर दी पुलिस के साथ, पुलिस ने यहाँ पे एक्शन ले लिया, प्रिंसिपल ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। तो रब और खुदा जैसे अगर शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं लैब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किसी एक पर्टिकुलर पोएम के अंदर, और वो पोएम एक ऐसे इंडिविजुअल द्वारा लिखी गई है मोहम्मद इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा लिखी है, तो उसके नाम पे इतना कम्युनलिज्म, इतना बखेड़ा, इतना बवाल क्यों हो रहा है, इसको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं ज़ियाउस्सलाम साहब। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद है, चाहे तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि एग्जाम्स रिस्पेक्ट से कुछ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं। अगला आर्टिकल क्लैमर फॉर बिगर स्लाइस इन कोटा पाई, यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक्चुअली में कर्नाटका के अंदर रिजर्वेशन को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, ऑथर बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कर्नाटका में बहुत सारे करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, तो रिजर्वेशन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने पास वोट खींचने की कोशिश कर रही है। दो कम्युनिटीज़ कर्नाटका के अंदर बहुत डोमिनेंट है,
एक तो वीर शैवा लिंगायत कम्युनिटी, ये टेक्निकली बहुत लंबे समय से बीजेपी सपोर्टर रही, दूसरी वो कालिका कम्युनिटी। ठीक है भाई, अब ओबीसी ब्लॉक के अंदर 2C और 2D नाम की दो कैटेगरी बनाई गई है रिजर्वेशन के लिए, और 3A 3B नाम की दो कैटेगरी और बनाई गई है। एक्चुअली रिजर्वेशन कोटा को बढ़ाने की बात की जा रही है, और कुछ कम्युनिटीज को वोट बैंक के लिए EWS पूल के अंदर रिजर्वेशन कोटा दिया जाएगा कर्नाटका के अंदर, ये भी यहां पे बोला जा रहा है। तो जो वीर शैवा लिंगायत कम्युनिटी है, जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स हैं, इनको 2D आप कह लो सब रिजर्वेशन के अंदर, मतलब सब रिजर्वेशन आप कह लो, यू नो, जो पैरेलल हेड बनाया गया उसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा। लिंगायत कम्युनिटी नॉर्थ कम्युनिटी कर्नाटका में बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, तो पहले जो इनको 3B कैटेगरी में 4% कोटा दिया जाता है, वो अब 2A कैटेगरी में 15% कोटा दिया जाएगा। उसी प्रकार से वोकालिका कम्युनिटी, ठीक है ना, इन्होंने 12% रिजर्वेशन की डिमांड की है, इन्होंने कोई सीरियस एजिटेशन भी नहीं किया, उसके बावजूद भी इनके लिए कैटेगरी 2C बनाई गई है सरकार के द्वारा। मतलब ओवरऑल सरकार ओल्ड मैसूर रीजन में जो वोकालिका डोमिनेटेड कम्युनिटी है, इसको अपीज करने के लिए, इसके वोट पाने के लिए, इसके लिए सब कैटेगराइजेशन कर रही है रिजर्वेशन का। तो कर्नाटका की स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर सब कैटेगराइजेशन करके रिजर्वेशन देख के वोट खींचने की बात की जा रही है, कुछ ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। ये आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है और मंथली फिगर से रिलेटेड है, तो एक दो पॉइंट बताता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक डाटा आ चुका है, ऑफिशियल इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री नवंबर 2022 का, और स्टैंडर्ड एंड पूअर का ग्लोबल सर्वे बेस्ड परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर दिसंबर 2022 का। अब इसके बेसिस पे क्या मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसकी बात की जा रही है। अगर आप देखो तो जो 8 कोर इंडस्ट्री है, इसका अगर प्रोविजनल डाटा देखा जाए कोल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर तक का, तो नवंबर 2022 में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5.4% की देखी गई है। लेकिन अगर आप देखो सिक्वेंशियल बेसिस, मतलब एक साल के एक महीने से अगले साल के उस महीने के बीच का अगर आप इंक्रीमेंट देखें, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें, यानी नवंबर और दिसंबर का पिछले महीने के रिस्पेक्ट में अगर आप इंक्रीमेंट देखें, तो उसके बेसिस पे यहां पे कुछ एनालिसिस की गई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि 8 कोर सेक्टर्स में से 6 कोर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिले हैं। कॉन्ट्रैक्शन सिक्वेंशियल बेसिस मतलब अगर आप दिसंबर को नवंबर से कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं 6 सेक्टर्स यहां पे कम होते नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट अक्टूबर के रिस्पेक्ट में 2.1% रैंक हो गया है नवंबर में, रिफाइनरी प्रोडक्ट का आउटपुट अक्टूबर के कंपेरिजन में नवंबर में 3.1% रैंक हो गया, मतलब कम हो गया। केवल कोल और सीमेंट दो ऐसे सेक्टर हैं जो ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हैं, मंथ ऑन मंथ भी बढ़े हैं, क्योंकि 8 कोर इंडस्ट्री का डाटा नवंबर 2022 का आया है, तो नवंबर 2022 और नवंबर 2021 में बढ़ा है कोल और सीमेंट सेक्टर, और अक्टूबर 2022 के कंपैरिजन में भी नवंबर 2022 में बढ़ा है कोल सेक्टर, लेकिन बाकी 6 सेक्टर्स नवंबर 2022 में विद रिस्पेक्ट टू अक्टूबर 2022 घटे हैं। ठीक है, तो ऑथर यहां पे मंथ ऑन मंथ बेसिस और ईयर बेसिस दोनों पे कंपैरिजन कर रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि व्हेन कंपेयर्ड टू अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 में 8 में से 6 सेक्टर घटे हैं, केवल दो ऐसे सेक्टर्स हैं, कोल और कंस्ट्रक्शन, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़े हैं। अब इस कंटेक्स्ट में देखो तो जो कोल आउटपुट है वो 12.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर नवंबर 2022 में, और 51.1% बढ़ा है सीक्वेंशियल, मतलब नवंबर 2022 में अक्टूबर 2022 से कंपैरिजन में 15.1% बढ़ा है। कौन? कोल सेक्टर। अब इसमें थोड़ा डाटा इन्होंने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है आपका स्टैंडर्ड एंड पुअर का वो भी यहां पे जोड़ दिया, उसमें 400 मैन्युफैक्चरर्स के डाटा को यहां पे एवरेज किया गया है। पीएमआई रीडिंग 57.8 निकल के आ रही है अक्टूबर 2020 के रिस्पेक्ट में, ज्यादा। पीएमआई में आपको यही पता है कि अगर 50 के ऊपर है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, 50 के नीचे है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो पीएमआई सर्वे के बेसिस पे हमें हाइटेंड ऑप्टिमिज्म यहां पे देखने को मिल रहा है। इस हाइटेंड ऑप्टिमिज्म में पहली बार ये देखा गया है कि जो सेलिंग प्राइस होती है, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस है उसमें इन्फ्लेशन बढ़ता नजर आ रहा है, इनपुट प्रोडक्ट्स में इन्फ्लेशन बढ़ता नजर नहीं आ रहा। अब समझिए, इंडिया ने दवाइयां बनाई, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए, उसके लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ब्लड ड्रग्स मंगाए चाइना से, तो अगर इनपुट है जो API, अगर इनपुट कॉस्ट में इन्फ्लेशन आता है तो फाइनल प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी लेना मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो फाइनल सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट्स की, वहां पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फायदेमंद है, और इनपुट प्राइस में इन्फ्लेशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। और फाइनली गैम्बलिंग,
केंद्र की सरकार यहाँ पे ऑनलाइन गैम्बलिंग को रेगुलेट करने की बात कर रही है, उसके लिए ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाया गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 में। अब इसमें बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है। तमिलनाडु का सरकार का कहना है कि हम ऑनलाइन गैम्बलिंग को, ऑनलाइन बेटिंग को रेगुलेट करना चाहते हैं। ये बेटिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि हम तो गेम ऑफ चांस है ही नहीं, हम तो गेम ऑफ स्किल है। केंद्र की सरकार जो भी अमेंडमेंट कर रही है उसमें यह बात क्लियर नहीं है कि क्या राज्य की सरकारें भी इंडिविजुअल बेसिस पे अमेंडमेंट कर सकती हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट में जाके ये फरियाद दायर करते हैं कि भाई हम तो गेम ऑफ स्किल है, हम गेम ऑफ चांस है ही नहीं। अब अगर वेजरिंग मतलब एक प्रकार से बेटिंग हो गया। अब जैसे जितने भी ऑनलाइन ये क्रिकेट के ऊपर ड्रीम इलेवन इस प्रकार के गेम्स हैं, इसमें आप एक प्रकार की बैटिंग कर रहे हो, एक प्लेयर के ऊपर सट्टा लगा रहे हो। अगर आप 11 प्लेयर्स की एक टीम सिलेक्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स के ऊपर सट्टा लगा रहे हो, क्योंकि वो टीम वाले प्लेयर जितना बढ़िया खेलेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। तो इसको आप टेक्निकली वेजरिंग बोल सकते हो, वेजरिंग मतलब बैटिंग करना। अब फिजिकल फॉर्म में वेजरिंग करना बैन है कॉलोनियल पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत, बट यहां पे बात आ रही है ऑनलाइन फॉर्म। तो ऑनलाइन फॉर्म में अभी के लिए अलग अलग हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चीजें अलाउड है, लेकिन ये कितने समय तक अलाउड रहेंगी, कितना सरकार का इंटरवेंशन होगा, इस बात के लिए केंद्र की सरकार को अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर रखनी पड़ेगी। और अभी के लिए केंद्र की सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही है। जो भी अमेंडमेंट्स केंद्र की सरकार ने प्रपोज किए हैं आईटी इंटरमीडिएट लायबिलिटी और डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 में, वो उतने क्लियर कट नहीं है। उसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग में रेगुलेशन की अगर बात करो, ऑनलाइन गेमिंग में सिर्फ वेजरिंग वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेगुलेशन ठीक नहीं, हर प्रकार के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे जिसमें फिजिकली पैसा लग रहा है, सट्टा लग रहा है, उसमें ओवरऑल आपने थोड़ा बहुत रेगुलेशन किया, लेकिन भारत सरकार ने बाकी गेम्स पर, जैसे काउंटर स्ट्राइक करके पहले गेम चला करता था, अब तो भारत सरकार ने बैन कर दिया, चाइना का गेम था, उसमें लंबे समय तक प्लेयर्स खेलते रहते थे, उसमें कोई सट्टा नहीं लगता था लेकिन लोगों को मजा आता था खेलने में। तो किस हद तक आप एक यूथ को लंबे समय तक ऑनलाइन घुसेड़ सकते हो किसी पर्टिकुलर गेम में? चाइना के अंदर, चाइना की सरकार ने प्रति घंटे कितनी देर आप गेम खेल सकते हो उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगा सकती है। यही प्रकार की अपर लिमिट इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का यूथ, यंग यूथ अगर दिन में 12-12 घंटे, 8-8-10 घंटे गेम खेलने में लगा रहेगा तो बाकी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगी? तो चाइना जैसे कुछ और रेगुलेशन लाने की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेशन मतलब केवल वेजरिंग और बेटिंग को ही आपको रेगुलेट नहीं करना है, बाकी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को भी रेगुलेट करना है, ताकि कहीं ना कहीं लोगों का और हमारे यूथ का खासकर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि बस वो गेम ही में घुसे रहें पूरे दिन। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही है। आई होप आपको आर्टिकल पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर शेयर करें, यूट्यूब एल्गोरिथम।